अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घर में बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अपने घर से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या स्टार्टिंग में ही आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ आज मैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी कबाब, जो कि बकरा ईद स्पेशल आप लोगों के लिए लाई हूँ। क्योंकि देखें सभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे हिस्सा भी लिया जाता है बकरे के साथ साथ, तो हमारे पास अच्छा खासा जो है बीफ का गोश्त भी होता है। तो बस जी, हमारी सोफ़ी पहुंच गई हैं अपने लेटर बॉक्स में और ये बहुत क्यूट सी कूदती भी जाती हैं, देखें आप यहाँ। अच्छा जी, तो मैं ये बताई थी मैं बिहारी कबाब जो है वो बनाने की रेसिपी आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते किचन में, उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी। चलो जी फ्रेंड्स, आ गए हम लोग मेरे किचन में। तो देखिए मैंने कुछ तैयारियाँ सी कर रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है मैंने ले रखा है ये बीफ का है गोश्त, और जिसको मैंने ऐसे पतले पतले से ऐसे पार्चे से मैंने जो है ये काट लिए हैं। मैंने थोड़ा बड़े साइज का मंगाया था फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो बिहारी कबाब है ना उसके लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही गोश्त चाहिए, पतले पतला बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके से चाहिए। और हम सभी क्या जो है कुर्बानी जब होती है तो बीफ का गोश्त ज़रूर आता है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ज़रूर मैं बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसके। चलो पहले आपको दिखा दूँ क्या क्या सामान इसके लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने इसका सामान सारा रखा हुआ। अच्छा जी, मेरा जो ये जो है ना ये है हाफ के जी। ठीक है फ्रेंड, मैंने हाफ के जी जो है बीफ लिया है। और अब उसके अंदर देखिए जाएगा नमक 1 टीस्पून लिया है मैंने, और काला नमक भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा जी, ये देखें ये जो पीपली है ये हम नहारी के मसाले में भी डालते हैं फ्रेंड। देखें इसका जो है मुझे ये नहीं चाहिए फ्रेंड, मैंने 2 चुटकी मैंने ये ले लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये तो मैं अलग कर दूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यही जाएगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा जी, ये है कचरी पाउडर, जिससे जो कि हमारे गोश्त गलाने में काम आएगा। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो आप कच्चा पपीता ले सकती हैं, और पक्का पपीता हो पक्का पपीता ले सकती हैं, लेकिन मेरे पास कच्ची पाउडर था तो मैंने कच्ची पाउडर लिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी, अभी आ जाते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने ये लिया है 1.5 टीस्पून, और जी ये मैंने ले ली है 1 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। और जी ये काला जीरा है, शाहजीरा जिसे कहते हैं, ये भी 1 टीस्पून फुल है। सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून फुल लिया है। ये खसखस मैंने 1 टीस्पून ली है फ्रेंड्स। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो है 2 टेबल स्पून लिया है। और जी ये आ गई हमारी प्याज, ब्राउन करी हुई प्याज है मेरी, ये तकरीबन होगी फ्रेंड्स 4 टेबल स्पून्स। और जी गरम मसाला मेरा होममेड गरम मसाला है, जो कि मैं खुद बनाती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। अच्छा जी, ये प्याज है, प्याज को जो है मैंने ये तकरीबन 2 बड़ी प्याज थी फ्रेंड्स, लेकिन इसको मैंने क्या करा है, इसका सारा जूस जो है फ्रेंड्स निकाल दिया है, इस वजह से ये थोड़ी सी लग रही हैं। ठीक है, अब ये जायफल और जावित्री है, ये इतना जाएगा इसके अंदर, आप लोग देख लें, ये बस इतना ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा जायफल का ही टुकड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए ऐसे रखा है, बताती हूँ क्यों मैंने ऐसे रखा है। अच्छा जी, दही जाएगी। ठीक है, दही का हमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, तो हमारे जो भी इसका एक्सेस पानी होगा हम निकाल देंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे ये सब चीज़ें ना थोड़ी कुटी हुई चाहिए, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, शाहजीरा, अजवाइन, और जी मेरा सब कुछ पिसा हुआ है, बाकी मेरी ये चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जायफल जावित्री मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से जो है कूट लूँगी फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अंदर सॉरी खसखस रह गई है, खसखस भी मैं इसी में डाल लूँगी। अब क्या है कि इसको मैं खूब अच्छे से इसका पाउडर बना दूंगी। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, लेकिन देखें इसमें इमाम दस्ते में बहुत बेहतरीन पाउडर बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है, और थोड़ा सा ना मुझे दरदरा से ही चाहिए, तो ये परफेक्ट है बिल्कुल इस वक्त मेरी रेसिपी के लिए। तो चलें जी, अब हम जो हैं गोश्त के पारचे जो हैं, जो बिहारी कबाब के लिए मैंने पतला पतला सा गोश्त काट के रखा है, उसको जो ये पारचे बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, तो पारचे जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब जी सारे मसाले जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सारे बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी सारी चीज़ें, और वो हम अब इसमें एक एक करके सारा जो है हम फ्रेंड्स इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आप सबके लिए डेली न्यू से न्यू रेसिपी लाती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने आप बना पाएँ। और फ्रेंड्स, मैं जैसे इजी तरीके से बनाती हूँ, मैं एज इट इज़ वही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड, और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड। तो आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती होगी कि मैं वहाँ पर अपना माशाल्लाह से किचन चलाती हूँ दिन में, और रात में आकर आप लोगों के लिए रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ डेली, और यही मेरा डेली का रूटीन है फ्रेंड्स।
तो चले जी अभी आप ये देख लें जी, मैंने प्याज को जो हाथ से क्रश करके डाल दिया है, दही का जो है मैंने पानी हटा कर और ये मैं दही इसके अंदर डाल दूंगी फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट जो है ये सारा चला गया, थोड़ा सा नीचे पानी था तो मैंने उसको रहने दिया है। और अब मैं हाथों की मदद से फ्रेंड इसको बहुत अच्छे से सारे मसाले को लगाऊंगी, जो मैंने कूट के रखा था मसाला मैं वो डालने लगी हूँ इसके अंदर। तो सारा ही मसाला हमारा इसके अंदर चला गया है फ्रेंड्स, और बहुत आसान है बिहारी कबाब बनाना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस हमारे पास सारे मसाले अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं अपने हाथों के हेल्प से फ्रेंड्स इसको सारे मसाले को गोश्त में बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हाथ से ही करिएगा फ्रेंड्स ताकि इसकी एक एक बोटी पर जो है अच्छे से मसाला सारा कोट हो जाए। तो आप देखें बहुत अच्छे से मैंने हाथों की हेल्प से करा है, और क्योंकि ये मैरिनेशन हमें 24 आवर्स तक रखना है फ्रेंड, क्योंकि ये बीफ है इस वजह से हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, और ताकि बहुत अच्छे से हमारा मैरिनेट हो जाए। तो बस जी मैं अब इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर, मैं अब इसको बनाऊंगी फ्रेंड्स कल, ताकि पूरे 24 घंटे मैं इसको कम से कम इसको फ्रिज में रखूंगी फ्रेंड्स, ताकि बहुत अच्छा सही मैरिनेट हो जाए। और जी बस उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे का है फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन काफ़ी रात हो गई थी, मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था बीफ को। और अब जो है ये नेक्स्ट डे है मेरा, नेक्स्ट डे मैं हूँ किचन के अंदर। किचन के अंदर मेरा फ्रेंड सुबह का सारा जा चुका है, और ये है मेरा तकरीबन दोपहर का, ये मेरे डिनर का बन रहा है फ्रेंड। तो डिनर में मैं बना रही थी अचारी चिकन, तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ, और बाकी उधर हमारी दूसरी तरफ दूसरी तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस जी मैं बहुत फास्ट उसमें आपको दिखा रही हूँ कि मैं प्रॉपर इसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ चाहे चिकन की, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि सुबह का मेरा सारा जा चुका है। देखें इस तरीके से हमारा काम चलता है सारे दिन, ताकि आप लोगों को पता रहे मैं किस तरीके से काम करती हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही थी फ्रेंड्स। अच्छा जी मैं अचारी चिकन बना रही हूँ, तो उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी धनिया तमाम मसाले इसके अंदर चले जाएंगे फ्रेंड्स। और जी अब ये मैं सारे अचार के मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि ये अचारी चिकन बना रही हूँ, तो सारे अचार के मसाले मेथी सरसों का अभी कलौंजी मैं इसमें से डाल रही थी तो बट मुझे सही नहीं लगी। अच्छा मेरे पास ना थोड़ा सा अचारी गोश का मसाला रखा हुआ था शान का, देखें बहुत थोड़ा सा है, तो मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि इससे भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। वैसे अमूमन फ्रेंड्स मैं अपने ही मसालों से बनाती हूँ, बट ये रखा हुआ था, मैं इनका ख़राब हो जाएगा और मैं आज बना रही हूँ तो इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो बस जी वो भी अब मैंने इसके अंदर डाल दिया था, अब जिसके अंदर कलौंजी भी डाल रही हूँ, क्योंकि अचारी गोश्त में ये मस्ट है। देखिए जी ये हाल होता है यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, और आपके सामने है ये बन रहा है हमारा अचार गोश्त, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये देखें आप फ्रेंड्स ज़बरदस्त अचार गोश्त है ये। हालांकि फुल रेसिपी मैंने इसकी नहीं दी है, दूंगी आपको इंशाल्लाह। अभी एक्चुअली बस ये शाम के लिए मेरा बनना था, जो कि बहुत ज़रूरी था। इधर हो रहा था आलू हमने फ्राई करके रख लिया, थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था तो हमने वो फ्राई करके रख लिया है। और जी अब ये हो रही है कल के मसाले की तैयारी, और ये कल बनेगा हमारा राजमा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आज ही हम लोग फ्राई करके रख देंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। देखें आप हमारा ये कट्टे रखे में इस तरीके से हमारे सामान आते हैं, और हमारा वो चावल ख़त्म हो गया है फिलहाल। और जी पूरे घर में माशाल्लाह पूरे में किचन में तैयारी चल रही है। अब हम आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स, इसी बीच बीच में मैं 10 मिनट का कर लेती हूँ रिलैक्स। तो बस ऐसी गाड़ी चलती है, अब आपको दिखना होगा मेरा सारा पसीना, चेहरा हो चुका है बिल्कुल रेड। तो चलिए अभी आगे मिलती हूँ, आप लोगों से पानी वगैरह पी लूँ ज़रा। तो बस फ्रेंड बैठ के आराम से पिया था पानी, आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही, लग रहा होगा जल्दी जल्दी है, तो बस जी पानी वानी पी के हो गई थी फ्रेश। तो फ्रेंड्स पानी वानी हो गया पी लिया है, अब फ्रेंड बस करना है मुझे पैकिंग, मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब बाकी अब सब उन लोगों का काम बचा है, वो अपना साफ करेंगी सफाई करेंगी चीज़ें खाली करेंगी, बट पैकिंग जो है वो मुझे ही चेक करनी पड़ती है सारी, वो मैं ही करती हूँ। तो अब करूँगी पैकिंग, और दूसरा आप क्या करना है बस पैकिंग करूँगी फिर चली जाऊँगी घर। और घर जाकर जो मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स कल बिहारी कबाब बना रही थी, तो वो बिहारी कबाब जो मैं बना रही हूँ उसको मैंने कल मैरिनेट कर दिया था आप लोगों के सामने। तो अब मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर आज वो जो है पूरा प्रॉपर तरीका आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं घर पर मेरे। अच्छा जी फ्रेंड्स आ चुकी हूँ घर पे, और रात के बज रहे हैं टाइम, देखें आप लोग 9 बजने वाले हैं, और अब लेट आई हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ मेरे घर की क्या हालत हो रही है। रुक जाइए मैं इधर से दिखाती हूँ, ये देखें जी सारा सामान मेरा जो है निकला हुआ है, क्रॉकरी मेरी निकली हुई है कुछ इस तरीके से, अभी सारा कुछ फैला हुआ है फ्रेंड्स, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें यहाँ पे निकला हुआ है मेरी सारी, और ये क्या हुआ है ये देखें, ये अलमीरा जो है ना मेरी फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब हो रही थी, आप लोगों को इसकी सिचुएशन याद होगी। तो बस मैंने आज इसके ऊपर फ्रेंड्स क्या है ना पेंट करवाया है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसकी करवा दिया है इस पर पेंट। और बस इसी में आज सारा दिन लगा रहा, तो देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा वगैरह। अभी भैया गए हैं यहाँ से सारा खाली करके, तो बस अब ये सूखेगा कल तक, फिर हम इसके अंदर जो है लगा लेंगे बर्तन अपने, जितनी भी मेरी क्रॉकरी है, क्योंकि फ्रेंड मेरा बहुत नुकसान हो रहा था इसकी वजह से ना, तो इस वजह से। अच्छा जी सोफ़ी मैडम हमारी, देखें कहाँ ही क्यूट सी सोफ़ी, आई मेरा बच्चा कहाँ कर रहा है। तो सोफ़ी है यहाँ नींद में, ये ऐसी कोना ढूंढती है और कोने में ऐसे बैठ जाती हैं। तो बस फ्रेंड्स अभी घर की हो रही है कुछ ऐसी हालत, लेकिन मैं जा रही हूँ अब किचन में, और किचन में क्योंकि बनाना है अभी हमें, कल हमने मैरिनेट किया था बिहारी, तो बस जी बिहारी कबाब बनाने हैं। तो चलें जी अब चलते हैं किचन में हमारे और बनाते हैं। सबसे पहले निकालती हूँ फ्रिज में से, अच्छा जी निकाल भी दिया, ओके। मुझे देखें जी अब हमारा ये दहक रहा है कोयला इसका, क्योंकि हमें इसमें लगाना है स्मोक। तो बस फ्रेंड देखिए सारा सामान है यहाँ पर फैला हुआ, मैंने सामान निकाल लिया था, और ये रहा हमारा जो है कबाब का, जो कल के हमने मैरिनेट करने रखा था। 24 आवर्स इसको हो चुके हैं फ्रेंड, तो चलिए जी तैयारी करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इसमें स्मोक, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्मोक की चल रही है तैयारी, तो मैंने ये फॉइल की मदद से थोड़ी सी छोटी सी कटोरी बना ली है, और उसके अंदर अब मैं ये डाल दूंगी कोयला, ताकि और बहुत अच्छे से, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी फ्रेंड, और बस जी लग जाएगा इसमें स्मोक। बहुत बढ़िया सा करके हमें इसमें स्मोक लगाना है फ्रेंड। मैं मतलब मुश्किल से 20 सेकेंड मैंने इसको रखा था, बस उससे ज़्यादा नहीं फ्रेंड, वरना बहुत ज़्यादा स्मोकी हो जाएगा तो वो अपना फिर गले में लगेगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस जी मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया था, उसके बाद जो है बस हमारा हो गया इसमें जब गया ज़बरदस्त स्मोक। और अब जी मैं इसको बनाऊंगी, मैंने थोड़ा सा हाथ से और अच्छे से मिला लिया, क्योंकि कल का मैरिनेशन करने के लिए रखा था, तो फ्रिज में से निकालने के बाद मैंने इसे हल्का सा चला हाथ से मिला लिया। और अब देखिए मैं ऐसे सीख में ऐसे करके ट्विस्ट करके इस तरीके से मैं इसमें लगा दूंगी, बहुत आसानी से लग जाता है फ्रेंड, पतले पतले पारचे हैं ना, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये खूब अच्छा सा हमारा जो है ना बीफ गल भी चुका है, अब मैरिनेशन माशाल्लाह 24 आवर्स का इसका हुआ है, तो बेहतरीन करके गला है। देखिए आप कितने आसान से मेरा सीखों के अंदर लग गया, फिर सारे मैं इसी तरीके से सारा रख दूंगी, सारे ऐसी सीखों में लगा लूंगी जितना भी आ जाता है। मेरे पास 4 ही सीख हैं, तो जैसे जैसे होगा फिर मैं बाद में दोबारा से और लगा लूंगी। अच्छा फ्रेंड जो मैंने अलमीरा करी है आप लोगों ने देखा होगा शुरू के मेरे व्लॉग में, देखिएगा जब ये व्लॉग स्टार्ट होता है ये वाली अलमीरा की असली हालत आपको उसमें देखेगी, क्योंकि जो हमने वीडियो उसका बनाया था ना फ्रेंड, वो डिलीट हो गया है वो भी, तो इस वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो आप लोग उसमें देखिएगा कि वो शुरू में वो अलमारी कैसी थी, और फिर बाद में मैंने उसे पेंट करवा लिया। अच्छा जी बातों बातों में देखें जी मेरे बन गए हैं, यहाँ पर सारी सीखों में लग गए हैं, आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे सीख कबाब की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगते हैं फ्रेंड्स। और बिहारी कबाब सच बता रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट डिश है, मुझे बहुत पसंद है बिहारी कबाब। मुझे याद है ये फर्स्ट टाइम मुझे मेरी नंद ने खिलाया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था बिहारी कबाब को, इस साल बहुत साल हो गए, बहुत साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं नहीं जानती थी बिहारी कबाब क्या होते हैं, तो उनके हाथ के मैंने खाए थे, और यकीन करें वो लज्जत तो आज तक मुझे नहीं मिल पाई, मैं भी उनकी तरह नहीं बना पाती हूँ, बेहतरीन बनाती हूँ बिहारी कबाब। और जी बस मैंने तो एक कोशिश करी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे, उनके टक्कर के नहीं बन पाए थे अब भी, लेकिन वो बहुत शानदार मैंने खाए थे वो बिहारी कबाब, तो तभी मुझे पता चला था कि बिहारी कबाब ऐसे होते हैं, और बस तब से मुझे इसको मतलब मुझे बड़ी फेवरेट डिश हो गई थी ये। अच्छा जी मैंने एक बैच इसका कर दिया था, मैंने दिखाया कितना इजीली वो आराम से निकल गया था, सेकंड बैच भी मेरा हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए हमारे हाफ के जी में ये बना है मेरा जो है बिहारी कबाब, जितने बने हैं ये अच्छे खासे हैं माशाल्लाह से, एक 4 मेम्बर्स की फैमिली के लिए सफिशियंट हैं ये, बहुत अच्छे से पेट भर के इसको 4 टू 5 लोग खा लेंगे फ्रेंड। अच्छा जी मैंने हल्की आंच पे इसको इसलिए रख दिए थे, वैसे तो ये तकरीबन हो गए थे, लेकिन मैंने फिर भी क्योंकि बीफ है मैं चाहती थी ये और ज़्यादा अच्छे से गल जाए, और इसका थोड़ा सा मसाला भी बचा था, तो देखिए मैंने मसाले को इस तरीके से थोड़ा सा भून दिया था फ्रेंड। अच्छा इसमें आप लोग थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैंने ऑयल नहीं डाला था बट मुझे लगा हल्का सा ऑयल चला जाएगा इसमें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ढकने के बाद 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर और पकाया था, तो देखें कुछ ये रिजल्ट आया है मेरे बिहारी कबाब का, बेहतरीन लग रहे हैं फ्रेंड्स ये नान के साथ पराठों के, स्पेशली वैसे पराठे और नान के साथ ये बेहतरीन लगते हैं, वैसे आप इसे रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बने हैं शानदार बिहारी कबाब, और ये मेरे रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बकरीद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
और मज़ा आ जाएगा। आपके गेस्ट आएंगे वो भी बहुत इंजॉय करेंगे और फैमिली मेम्बर्स भी सभी बहुत इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से, देखें आप कितने इजीली ये टूट रहा है फ्रेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। देखें फोक से भी गिर रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड्स ये। और बहुत ही जूसी, बहुत ज़बरदस्त बिहारी कबाब्स बने, ज़रूर मेरी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं, देखिए इशारों से टूट रहा है फ्रेंड। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे एक बार। और अब मुझको दीजिए इजाज़त, कल मिलूंगी न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।